प्रभु श्री राम का ध्यान हर चेहरे पर आ जाए मुस्कान, मुस्कान फिर आ गई है। लौट आए हैं श्री राम, लौट आई हैं माता सीता और लौट आए हैं लक्ष्मण। एक बार फिर से रामायण का प्रसारण शुरू हो गया है। स्टार भारत पर शाम 7 बजे से एक बार हम फिर से देख सकते हैं वो सीरियल जिसे एक जमाने में पूरे परिवार के साथ बैठकर देखा जाता था। पिछली बार कोरोना की पहली लहर के बीच रामायण का प्रसारण हुआ था और इस बार जब कोरोना की दूसरी लहर आई है तो फिर से रामायण का प्रसारण शुरू हो गया है। जी हाँ, श्री राम का ध्यान आते ही मन में जो छवि आती है वो अरुण गोविल की आती है। लक्ष्मण का ध्यान आते ही मन में जो छवि उभरती है वो सुनील लहरी की उभरती है और सीता माता का नाम आते ही जो इमेज निकल कर आती है वो दीपिका चिखालिया की है। जी हाँ, ये सीरियल महज सीरियल नहीं है, ये लोगों के दिलों में बस गया। 25 जनवरी 1987 को रामायण दूरदर्शन पर पहली बार प्रसारित हुई थी, इसका पहला एपिसोड आया था। 31 जुलाई 1988 को रामायण का आखिरी एपिसोड प्रसारित किया गया था। 78 एपिसोड इसके कुल प्रसारित हुए और इन 78 के 78 एपिसोड्स ने लोगों के दिलों को छू लिया। पिछले साल जब रामायण टेलीविजन पर आई थी तो फिर से वही माहौल बना, फिर से लोगों ने अपने परिवार के साथ बैठकर इसे देखा और फिर से इस सीरियल ने एक इतिहास बनाया, एक ऐसा इतिहास जो इससे पहले इसी सीरियल ने बनाया था। देखिए, उस वक्त ये कहा गया था कि 2015 के बाद अगर किसी हिंदी जीईसी शो ने सबसे ज्यादा टीआरपी बटोरी है तो वो है रामायण। कुछ आंकड़े भी सामने आए थे। रामायण के 4 एपिसोड ने औसतन 28.7 मिलियन इंप्रेशन बटोरे। रामायण के सभी 4 एपिसोड 6.9 बिलियन मिनट देखे गए, जिससे एवरेज जो निकाली गई वो ये कि रामायण के हर एपिसोड को 42.6 मिलियन ट्यूनिंस मिले। कुल मिलाकर बात ये कि प्रभु श्री राम जब जब पर्दे पर आए तब तब लोगों के दिलों में समा गए, तब तब लोगों के दिलों में बस गए। देखिए, रामायण बनी आसानी से नहीं थी। 2 साल तक रामानंद सागर को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के चक्कर काटने पड़े थे। हुआ ये था कि जब इन्होंने पायलट एपिसोड बनाकर दिखाया तो उसे रिजेक्ट कर दिया गया। कहा गया कि माता सीता की ड्रेस सही नहीं है, उन्होंने कट स्लीव्स कपड़े पहने। उन्होंने दोबारा पायलट बनाया, फिर उसमें कुछ कमियां निकाल दी गई। तीसरा पायलट बनाया, उसमें भी कुछ कमियां निकाल दी गई। रामानंद सागर ने उस वक्त एक पत्रकार से कहा था कि भाई, मेरे कई जोड़ी जूते घिस चुके हैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय के चक्कर काटते काटते, लेकिन उन्हें रामायण ही बनानी थी। 3 बार रिजेक्ट हुई, 2 साल तक वो चक्कर काटते रहे और फिर जाकर बनी रामायण। और शूटिंग भी आसान नहीं थी, उन्हें एक ऐसी लोकेशन चाहिए थी जैसी आपने रामायण में देखी है ना, जंगल हो, आसपास फूल पत्तियां हो, तो मिल नहीं रही थी वो लोकेशन। ऐसे में हरिभाई नाम के एक शख्स थे, उन्होंने रामानंद सागर से कहा कि गुजरात में उमरगांव नाम की एक जगह है, आप वहां शूटिंग कर सकते हैं। रामानंद सागर पहुंच गए वहां। अब वहां मुंबई की तरह आर्टिस्ट तो अवेलेबल थे नहीं, तो आसपास के गांव में जाया करते थे, ऐलान करते थे कि भाई, आप अगर रामायण की शूटिंग का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आ जाइए। बहुत से आर्टिस्ट आ जाया करते थे, उनका ऑडिशन होता था और वो सिलेक्ट हो जाते थे। बड़े मुश्किल हालात में मेटल की ज्वेलरी उस वक्त पहना करते थे आर्टिस्ट, गर्मी में शूटिंग किया करते थे, कोई वैनिटी वैन तो होती नहीं थी, एक परिवार जैसा माहौल था। खूब अच्छे माहौल में इसकी शूटिंग हुई और ये सीरियल जो है वो बहुत सुपरहिट रहा। उस वक्त दूरदर्शन के ऑफिस में इसकी कैसेट भेजी जाती थी और कई बार कैसेट जो है वो आधा घंटा पहले पहुंचती थी। भाई, इतना बड़ा सीरियल था, तैयार करने में वक्त लगता था, लेकिन प्रभु श्रीराम की कृपा ये रही कि कैसेट कभी भी लेट नहीं हुई। और अब फिर से प्रभु श्री राम अपनी कृपा बरसाने जो है वो आ रहे हैं और अब तो ये सीरियल तैयार है, तो रोज शाम आप देख सकते हैं। और अब कैसेट का भी झंझट नहीं है, तो प्रभु श्री राम आपको बिना विघ्न के दर्शन देंगे। तो रामायण अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा। और रामायण में क्या कुछ सबसे अच्छा लगा, क्या कुछ सिखाया आपको रामायण ने, बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में। आपकी राय का इंतजार रहेगा, फिर मुलाकात करेंगे। ABP News आपको रखे आगे।